मैं मोर देन 1 ईयर से ग्रीन स्क्रीन बना रहा हूँ, और मेरे पास एक क्वेश्चन जरूर आता था कि आप ग्रीन स्क्रीन बनाते कैसे हो। वैसे मैं तो ग्रीन स्क्रीन आफ्टर इफेक्ट में बनाता हूँ। और एक और कॉमन क्वेश्चन आता था कि मोबाइल में भी ग्रीन स्क्रीन बनाना सिखाओ। तो उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला है जिसका नाम है AI ग्रीन स्क्रीन। अब ये सॉफ्टवेयर गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर यूज कैसे होता है और इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के क्या प्रिकॉशंस हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी आपके होम पर, जिसमें से आपको पिक करना है इमेज या फिर पिक करना है वीडियो। तो ऑब्वियसली हमें एक वीडियो का ग्रीन स्क्रीन बनाना है, तो हमें राइट हैंड साइड वाले को ही क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा किस वीडियो का ग्रीन स्क्रीन बनाना है, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने बीवी की वाइंस का वीडियो एक डाउनलोड कर रखा है, तो इसमें अपना प्रोसेस चल रहा है। बाय द वे ये जो बैकग्राउंड है ये मैंने ही बनाया है, कूल है ना। अगर आपको ये बैकग्राउंड चाहिए या ये वॉलपेपर चाहिए तो हाई क्वालिटी में मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए और अपना होम स्क्रीन बनाइए। तो यहाँ पर पूरी हो गई है। अब यहाँ पे आता है लेफ्ट हैंड साइड में एक बार, जहाँ पर है डिटेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट या फिर डिटेक्ट पीपल। जितना बार इंक्रीज करोगे उतने ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करेगा, और जितना मीडियम रखोगे और उतना ही कम सिलेक्ट करेगा। तो मैं इसको मीडियम में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें मेन ऑब्जेक्ट ही चाहिए। राइट हैंड साइड में ये सीजर का साइन बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको वीडियो को कौन सा पार्ट चाहिए, सिर्फ उसी को सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वीडियो को ऑलरेडी रेंडर करके रखें, मतलब कि वीडियो को ऑलरेडी एडिट करके रखें कि आपको बस यही स्पेसिफिक चाहिए और आप डायरेक्ट उसको रेंडर करें, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई करा था ये सही से वर्क नहीं कर रहा था। ब्लर ऑब्जेक्ट, मोज़ेक, ग्रीन स्क्रीन, जो हमारा मेन मोटिव है वो है ग्रीन बैकग्राउंड का, तो वही सिलेक्ट करते हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर राइट हैंड साइड में सेव का साइन बना हुआ है, तो ये सेव नहीं, इसको कहते हैं रेंडर। तो वीडियो को रेंडर करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आ जाएंगे आपको किस फ्रेम रेट में वीडियो चाहिए। तो अब हमें जो वीडियो चाहिए वो है 30 फ्रेम पर सेकेंड, इस पर क्लिक करके स्टार्ट रेंडर करना है। स्टार्ट रेंडर करने के बाद ये अपना टाइम लेगी। मैं आपको बता देता हूँ इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। प्रॉब्लम इसमें यही है कि हो सकता है ये उस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर ले जो कि हमें चाहिए नहीं, और हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी ना करे जो हमें चाहिए। तो मे बी हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क नहीं करे। तो ऐसी ही वीडियो सिलेक्ट करें जैसे कि मैंने करी है, जिसमें ऑब्जेक्ट कम हो। इस वीडियो का डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको मोबाइल को नेवर स्लीप मोड में डालना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपने मोबाइल को लॉक नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये लॉक हो गया तो ये ऐप काम करना बंद कर देती है। ऑब्वियसली ये ऐप बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और वो लेगी भी, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन बनाना ईजी टास्क नहीं है। वैसे अगर आपने एक बार ये रेंडर स्टार्ट कर दिया तो आप दूसरी कोई ऐप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि आपको अपने मोबाइल को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये है इस वीडियो का फाइनल आउटपुट। दोस्तों आज मैं आपको मिलवाऊंगा अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने हाथ से नहीं अपने चेहरे से। हाँ यही चेहरा, ये चेहरा जो मेरा साथ निभाता है हर दिन हर पल। वीडियो में एक प्रॉब्लम रेंडर के बाद ये हुई थी कि वीडियो के साथ कोई ऑडियो लिंक नहीं था। इस वीडियो के साथ मैंने ऑडियो अलग से लिंक कराया, तो मे भी हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं भी हो। मेरे केस में 2-3 बार यूज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम बस एक बार आई थी। तो इसी के साथ ये ट्यूटोरियल होता है यहीं पर ही ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना।